प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, ध्यान केंद्रित करना। जैसे इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में पढ़े तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि अगर तुम मेरी विधियों पर खड़े रहोगे और जो गलतियां सुलेमान ने की वह तुम न करोगे, तो मैं तुम्हारा राज्य बनाए रखूंगा। बाइबल में लिखा है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के वचन पर न रहते हुए उस राज्य को बनाए न रखा और एक गलती की थी। उस समय लोगों को खुश करने के लिए राजा हयबुयाम, जो राजा सुलेमान के स्थान पर राजा नियुक्त किया गया था, तब उसने 2 बछड़े बनाए और कहा कि यह वही परमेश्वर है जो तुम्हें आशीष देता और सभी मुसीबतों से छुटकारा देता आया। इस तरह करके उसने इस्राएल के समस्त घराने से पाप करवाया। जब तक वह अपने ध्यान को बनाए हुए था तो परमेश्वर भी उसके साथ था, परंतु जब यह सोचकर कि सिर्फ राज्य बना रहे तो उसने खुद भी पाप किया और लोगों से भी करवाया। उसके बाद वह राज्य उसके पास से ले गया। मेरे प्रियो, ध्यान रखें कि आपका विश्वास हमेशा बढ़ना चाहिए। बाइबल में नए नियम में वचन में लिखा है कि इस विश्वास को दूर करने से बहुत से लोगों की जिंदगी की विश्वास रूपी नैया डूब गई। याद रखें, अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास है तो ही आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकेंगे, और जब ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो वह अविश्वास के साथ ही होता है। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं आती होगी जिसके द्वारा शैतान आपके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की स्लेब की ओर केंद्रित करने से रोकता होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका ध्यान नहीं भटकता तो आपके द्वारा परमेश्वर कुछ ऐसा करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वह काम ध्यान भटकाने से कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, अगर आप कोई भी अच्छा काम करने के बारे में सोचेंगे तो हमेशा शैतान के द्वारा आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। आप प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे तो शैतान आपको तंग करना शुरू करेगा कि आप प्रार्थना न कर सके, जब तक आपका ध्यान उस बात की ओर नहीं होगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। याद रखें, आपको लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया गया। वचन में लिखा है कि पौलुस ने कहा, यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आपको विश्वास रखकर चलने के लिए बुलाया गया है, इसीलिए शैतान आज यह कोशिश करता है कि आपको मसीह में उन्नति के कारणों से दूर रखे। इसीलिए आज आपको वचन, प्रार्थना और परमेश्वर के नाम में रहते हुए यह प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिसके लिए आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं उसको न छोड़ते हुए प्रभु के कामों को कर सके, अपने ध्यान को केंद्रित करे ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर, कि इस वचन को पढ़ने के बाद आपके लोगों का ध्यान आपके स्लीप की ओर लगा रहे, यह आपके काम को पूरा कर सके। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने
आपकी इच्छा को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। प्लीज द लॉर्ड।